ओके okay. तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आज स्टेबिलिटी एंड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आज जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक बार जिस भी बच्चे ने लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, बाद में बेटा समझना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। तो एक बार इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन वहीं से स्टार्ट करूंगा, बाकी मैं आपको जो नॉर्मल हमारा जो साइक्लो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, उस पर बात करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके बनते हैं साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन के हमारे जो डिफरेंट कन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इज हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म। तो बच्चों जो हाफ चेयर फॉर्म है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है, तो उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले प्रॉपर्टी समझनी जरूरी है कि जो हाफ चेयर फॉर्म है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं। तो हाफ चेयर फॉर्म में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पहले देखो नॉर्मल जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसका स्ट्रक्चर तो कुछ यूं बनता है। तो आपको पता है यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल आता है ना, ये थीटा की हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, ये 120 डिग्री का अराउंड आपको मिलता है। लेकिन एक्चुअली बच्चों ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है और जितने भी हमारे एल्केन्स हैं वो बेटा आपका 109.5 डिग्री, ये जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है इसमें रहना चाहेंगे स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। हालांकि इसका बॉन्डिंग एंगल आपको 120 डिग्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन ये है कि हाफ चेयर फॉर्म या जो भी डिफरेंट फॉर्म होती है वो क्यों बनती है, क्या उसके पीछे रीजन है ना, वो डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले फॉर्म में हाफ चेयर फॉर्म, तो हाफ चेयर फॉर्म के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपका क्या होगा, मैं लिख रहा हूं सम सम एंगल स्ट्रेन, ठीक है, सम एंगल स्ट्रेन, ठीक है, सेकेंड, ये सब मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इसी के अंदर आपको मिलेगा सम टॉर्शनल, ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन, सम टॉर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है रिपल्शन। इसके बाद सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे, बोट फॉर्म, नेक्स्ट इज बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म के अंदर अगर यहाँ पे बच्चों देखो हाफ चेयर फॉर्म का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आएगा उसको भी यही समझ लेते हैं। देखो हाफ चेयर फॉर्म में क्या होगा, ये दो तो बॉन्ड आपके एज इट इज पैरेलल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एक हम वर्ड यूज यहाँ पे करने वाले हैं चोंच, जो चिड़िया होती है उसकी चोंच होती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन हम इस तरीके से, अभी हम एक्सियल और इक्विटोरियल है उस पर डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया है, अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ थोड़ा, बस मैं इसकी जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है आपके हाफ चेयर का उसको मैं पहले समझाता हूँ, एक्सियल इक्विटोरियल बाद में आएंगे, फ्लिपिंग को और डेप्थ में समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हाफ चेयर में कुछ यूं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दिख रहा होगा आपको हाफ चेयर फॉर्म है आपकी, ये चेयर जो है ना वो आधी चेयर है उसकी तरह। अब यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड एंगल थीटा आपको जो मिलता है, ये थीटा बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पे आता है 109.5 डिग्री। तो जितनी भी मैं फॉर्म डिस्कस करूंगा उन सारी की सारी फॉर्म में जो आपका बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री, जो टेट्राहेड्रल एंगल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसकी तरफ ये मॉलिक्यूल्स हमारा शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखो हाफ चेयर फॉर्म तो पहले समझ लो दिमाग के अंदर किस तरीके से है, ये आपकी हाफ चेयर फॉर्म यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अभी हम लोग अभी सब कुछ पढ़ने वाले हैं पूरा डेप्थ में, आज का जो 1.5 आवर जो लेक्चर सेशन है इसी पे चलने वाला है, जब तक इसमें इसमें मैं के इक्विलिब्रियम भी लेके आऊंगा, ठीक है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्यों स्टेबल है, सारी की सारी कहानी आने वाली है, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टीज देख लो कि हाफ चेयर फॉर्म के अंदर आपको एंगल स्ट्रेन भी मिलता है,
दूसरा एंगेशन रिपल्शन और दूसरा आपका टॉर्शनल स्ट्रेन भी आपको मिलता है। इस समय आपको क्लियर करूंगा कौन से कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है और बात करेंगे। सेकेंड बात करते हैं बोर्ड फॉर्म। तो बोर्ड फॉर्म के अंदर पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे आपका मैं लिख सकता हूँ नो सिग्निफिकेंट, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाफ चेयर फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्शन स्ट्रेन की। तो यहाँ पे आपको बोर्ड फॉर्म के अंदर परफेक्टली आपको टॉर्शनल स्ट्रेन मिलता है, टॉर्शनल स्ट्रेन मिलता है। जब मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ इन्हीं सेम प्रॉपर्टीज पे भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आए हैं, सीधा आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शंस को सीधा आपको टिक करना होता है कि बोर्ड फॉर्म के प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। एडवांस के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यही एडवांस के अंदर क्वेश्चन सीधे प्रॉपर्टीज बेस भी पूछे गए हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बोर्ड फॉर्म के अंदर एक नया पॉइंट आता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्लैग, ठीक है, फ्लैग पोल, फ्लैग पोल इंटरसेक्शन, ठीक है, फ्लैग पोल इंटर या फिर इंटरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। फ्लैग पोल का मतलब है टॉप मोस्ट पोजिशन पे, मतलब एक्सियल पोजिशन पे, ठीक है, मैं बताऊंगा एक्सियल इक्वेटोरियल में, तो अभी इसका मतलब समझो आप टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो भी एटम या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ठीक है, या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन का मतलब मैं एक अलग तरीके से बता दूं, इसका मतलब आपका वही बाउंडर बॉल, ठीक है, बाउंडर बॉल इंटरेक्शन, इसको हम लोग बाउंडर बॉल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो बाउंडर बॉल इंटरेक्शन बच्चों किसके बीच में वर्क करता है आपको पता है, एटम्स के बीच में वर्क करता है, ठीक है, ग्रुप के साथ वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे है कि हमारा जो बोर्ड फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बोर्ड फॉर्म देखो इजी है, मैं पहले तो आपको दिमाग में बिठा रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर जो भी बच्चा करेगा, ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट एक बार में ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चों जो आपके होते हैं ना, यहाँ पे इस पोजिशन पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, तो इनके बीच में एक इंट्रेक्शन होता है। ये जो इंट्रेक्शन दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये जो आपका इंट्रेक्शन दिखेगा, इसी इंट्रेक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल, या हम लोग बोलते हैं बच्चों बाउंडर बॉल इंट्रेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंडर बॉल इंट्रेक्शन का मतलब एक तरीके से रिपल्शन वाली कहानी है। तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल स्ट्रेन की, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टॉर्शन स्ट्रेन बच्चों काफी बढ़ जाता है। तीसरा आपका फ्लैग पोल इंट्रेक्शन की जो वैल्यू है वो भी आपकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लगती है, वो इंक्रीज होने लगती है। लेकिन इसके पहले जो आपका हाफ चेयर फॉर्म था उसमें कोई चांस ही नहीं था, क्यों, क्योंकि उसमें एक चौंच तो नीचे थी ना, ये वाली चौंच यहाँ पे दिख रही है और इधर देखो चौंच ये ऊपर दिख रही है, दिख रही है ना। तो यहाँ पे जो भी आपके एटम प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन, क्या वो उनकी उनकी वो काफी क्लोज होंगे, नहीं, उनकी डिस्टेंस तो काफी ज्यादा होगी, चाहे वो एक्सियल पे हो चाहे इक्वेटोरियल पे हो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कभी भी हाफ चेयर फॉर्म के अंदर बाउंडर बॉल इंट्रेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लगभग जीरो होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? यस, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बच्चों बात करेंगे। तो दिस इज द ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट। तो ट्विस्ट बोट फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ट्विस्टिंग हो रही है ना, कुछ पकड़ के घुमाया जा रहा है। तो अभी जो बोट फॉर्म थी उसी बोट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्विस्ट करेंगे, बॉन्ड्स को घुमा देंगे। तो किस तरीके से, तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, यहां पे आपको रिलीफ मिलेगा, कहां से, रिलीफ फ्रॉम फ्लैग पोल, रिलीफ फ्रॉम फ्लैग पोल इंट्रेक्शन, फ्लैग पोल इंट्रेक्शन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, लगभग फिनिश हो जाता है, ठीक है, ट्विस्ट बोट में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका जो एंगल स्ट्रेन है वो भी काफी कम हो जाता है, लेस एंगल स्ट्रेन। तो कभी कभी ना ये प्रॉपर्टीज लिखी होती है और टिक करना होता है कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लेस एंगल स्ट्रेन आपको मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्विस्ट बोट फॉर्म को अगर करेक्टली रिप्रेजेंट करूं तो ट्विस्ट बोट फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो ध्यान से बच्चों, ये इसको यूं क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसको इस तरीके से क्रॉस करेगा
और इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, वन सेकेंड, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये इधर आएगा इसके साथ, ठीक है, और ये यूं जाके इसके साथ यूं मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है, मतलब इस ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे भी समझ लो, इसको जनरलाइज कर सकते हो इस तरीके से भी, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जो है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म के अंदर आपका एंगल स्ट्रेन क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं सारे डायग्राम्स डिस्कस करूंगा करके, पहले जनरल केस की बात कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे फ्लैग पुल जो इंट्रक्शन है वो भी काफी आपका कम हो जाता है, ठीक है, वो भी आपका काफी लेस हो जाता है। ये आपका है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म का बच्चों बात करेंगे हम लोग चेयर फॉर्म की तरफ, तो चेयर फॉर्म को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार दिमाग में बैठाते हैं चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म फ्लिपिंग भी बात करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं। चेयर फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपका नो एंगल स्ट्रेन, ठीक है, नो एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। लगभग यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 109.5 डिग्री के अराउंड आपको देखने को मिलता है, दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल। तो यहाँ पे कोई भी एंगुलर स्ट्रेन नहीं मिलेगा, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये जो आपका बॉन्ड्स हैं आर स्टेगर्ड, ठीक है, सारे के सारे होते हैं आपके स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रोपेन, मीथेन, सारे के सारे केस मैंने आपको बताए थे जहां पे भी कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड आपके मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो आपके स्टेगर्ड होते हैं। अगर स्टेगर्ड होगा तो बच्चों यहाँ पे रिंग का जो स्ट्रेन होगा, रिंग में जो स्ट्रेन या रिंग के अंदर जो रिपल्शन होगा वो भी हो जाएगा नियर अबाउट आपका जीरो। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। देखो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक देखो चोंच यहाँ पे इस तरीके से बना लो, ठीक है, और दूसरी इसमें जो आपको दिखेगी, वन सेकेंड, दूसरी इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं चेयर, तो चेयर के अंदर एक तो ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, और सेकेंड आपका जो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया है चेयर फॉर्म, दिस इज एक्चुअली चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म की या फिर जो अभी प्रॉपर्टीज हाफ बोर्ड फॉर्म की थी या जो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म की जो भी थी, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले प्रॉपर्टीज को समझ लो। चेयर फॉर्म के अंदर एंगल स्ट्रेन क्या होगा आपका, बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज बॉन्ड एंगल आपका टेट्राहेड्रल में ऑक्यूपाई कर लेता है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो आपके स्टेगर्ड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से रिंग स्ट्रेन आपका जीरो हो जाता है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई है, बताओ, यहां तक सभी क्लियर हुआ है? अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी पैटर्न को लेकर, ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी लेवल का जो सिक्वेंस है, एनर्जी लेवल सिक्वेंस है साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फॉर्मर्स हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर। तो हाफ चेयर के अंदर बच्चों जो आपका रिंग स्ट्रेन होता है वो डोमिनेट करता है, रिंग स्ट्रेन आपका, रिंग स्ट्रेन में रिपल्शन, तो रिंग स्ट्रेन आपका डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से हाफ चेयर फॉर्म की जो एनर्जी होती है 10.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये एनर्जी आपकी रहती है। सेकेंड अगर मैं बात करूं बोट फॉर्म, तो बोट फॉर्म के अंदर जो आपका स्ट्रेन, मतलब रिंग स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, रिंग स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलती है, दिस इज 7.0 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, तो ट्विस्ट बोट फॉर्म के अंदर जो आपको रिंग स्ट्रेन, मतलब जो रिपल्शन है रिंग स्ट्रेन, इसकी जो आपकी वैल्यू यहाँ पे जो रिपल्शन की जो आपकी एनर्जी मिलती है वो 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये एनर्जी इतनी मिलती है। नेक्स्ट मैं ये डाटा बता रहा, डाटा को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन एक बार डाटा के बेस पे आपको चीजें समझ में आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर एक्सपांशन करने वाले हैं पूरा। तो नेक्स्ट बेटा चेयर फॉर्म के अंदर जो रिंग स्ट्रेन होता है, मैंने बोला था सबसे अधिक स्टेबल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 0 किलो कैलोरी पर मोल। ये समझ में आ रहा है डाटा, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि समझने में आपको काफी मदद करेगा। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है हाफ चेयर में वो आपकी 10.8 होती है, यहाँ पे 7.0 होती है, यहाँ पे ट्विस्ट के अंदर आपकी 5.5 होती है, और आपकी चेयर के अंदर आपकी 0 किलो कैलोरी पर मोल।
तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक स्टेबल कौन था जहां पे एनर्जी कम होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, फिर आपका ट्विस्ट बोट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा बोट फॉर्म, और सबसे आपका अनस्टेबल होगा हाफ चेयर फॉर्म। तो हाफ चेयर फॉर्म जो होती है सबसे अधिक अनस्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेंथ, जहां पे इसकी एनर्जी होती है आपकी 10.8 किलो कैलोरी पर मोल। पहले बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग यहां पे आएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। और एक बात मैं और यहीं पे क्लियर करता हूं, ध्यान देना सभी लोग, जब भी बेटा क्वेश्चन आपके इक्विलिब्रियम के आते हैं तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना होता है वो समझ लो। इक्विलिब्रियम वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे अगर मान के चलो हमारा कंपाउंड है ए, हमारा एक कंपाउंड है बी, अगर बच्चों बी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है और एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है, और ए की मान लेते हैं स्टेबिलिटी आपकी कम है तो ऑब्वियसली एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। तो जो भी केमिकल रिएक्शन बच्चों होते हैं वो हमेशा बच्चों मूव करते हैं फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी। मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों टीचिंग कर रहा हूँ, बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी, एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी। तो उसी तरीके से बच्चों हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ये आपका सपोज ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन बच्चों फीजिबल होती है अगर स्टेबल से, अनस्टेबल में तो जाएगी नहीं आपको अच्छे से पता है नेचुरली, तो जो आपका अनस्टेबल है ये आपका अनस्टेबल है, जहां पे एनर्जी ज्यादा है स्टेबिलिटी कम है, तो अनस्टेबल से स्टेबल के डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मूव करने के लिए बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो ये बोलता है कि जब भी कोई रिएक्शन बेटा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है, वहां पे डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है भाई वो बच्चों क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों लेस देन जीरो का मतलब है कि डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, और डेल्टा जी अगर बच्चों नेगेटिव होगा तो रिएक्शन विल बी फीजिबल। डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी आपको नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट और बात करूं के इक्विलिब्रियम की, तो के इक्विलिब्रियम बच्चों यहाँ पे हुआ ग्रेटर देन वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जब भी कोई रिएक्शन बेटा आपकी अनस्टेबल या फिर कोई भी रिएक्टेंट अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ अगर जा रहा है तो उस केस में एनर्जी को रिलीज करता है, उस केस में एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे मैंने लिखा है ए से बेटा क्या आपका बी फॉर्मेशन हुआ है, तो बी प्लस यहाँ पे मैं एनर्जी लिखूंगा, बी प्लस मैं यहाँ पे एनर्जी लिखने वाला हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आपको डिस्कस मैं करूंगा डेफिनेटली। जब कोई भी बेटा रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल से स्टेबल की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं। मतलब कोई एक अनस्टेबल रिएक्टेंट है तो अनस्टेबल रिएक्टेंट अगर बेटा वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर तो डेफिनेटली वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो बनेगा प्रोडक्ट वो डेफिनेटली आपका वहां पे मोर स्टेबल होगा। तो अगर बेटा रिएक्शन अगर फीजिबल हो रही है, नेचुरली फीजिबल हो रही है, तो मतलब वहां पे क्या है डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी। ये बात आपको 100% ध्यान देनी है। और आपका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर बच्चों ए से बी का फॉर्मेशन हुआ है तो ए से बी के फॉर्मेशन में ए से बी बेटा फॉर्म हुआ है तो जो बी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उसका जो अमाउंट होगा या फिर इसके जो मोल्स होंगे वो बच्चों अधिक हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों स्टेबल कौन है, स्टेबल आपका बी है। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है तो इसका मतलब दो तीन चीजें आपको समझ में हमेशा आनी चाहिए। क्या कि थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन फीजिबल तब हो सकती है जब आपकी डेल्टा जी की वैल्यू हो नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो हो, ठीक है, तो वो रिएक्टेंट से कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट वहां पे आपका अनस्टेबल होगा, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी आपकी कम होगी। और के इक्विलिब्रियम हमेशा ग्रेटर देन वन, तो समझ में ये आ गया कि जब भी कोई रिएक्शन फीजिबल होगी तो ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ लो बेटा, ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन होना चाहिए और डेल्टा जी लेस देन आपका जीरो होना चाहिए। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है?
या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये दो कंडीशन मैच कर जाएंगी, डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन, तो उस केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट है, टर्म है, डेल्टा जी का मतलब होता है गिव फ्री एनर्जी। अब गिव फ्री एनर्जी में चेंज क्या है उसको थोड़ा समझ लो। ऐसे मान के चलो आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपकी ह्यूमन बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी से आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिली, आपने उस एनर्जी का दो तरीके से यूज किया। एक एनर्जी जो बेटा जिसको बोलते हैं यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी बच्चों होती है यूजलेस एनर्जी, है ना, यूजलेस एनर्जी। तो यूजफुल एनर्जी का मतलब आपने सपोज पढ़ाई करी, आपने कोई अच्छा काम किया, तो दिस इज कॉल्ड यूजलेस एनर्जी। आपने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ आप मतलब ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे यूजलेस एनर्जी। तो भाई खाना जो आपने खाया, जो आपको एनर्जी मिली, वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, कोई भी सिस्टम, एनी सिस्टम, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो अपनी एनर्जी को, इवन गाड़ी के इंजन, तो गाड़ी के इंजन में आप जो पेट्रोल देते हो, क्या 100% पेट्रोल यूटिलाइज होता है बेटा इंजन के परफॉर्मेंस में? नहीं होता है ना, एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो कुछ उसका जो परसेंटेज है, उस जो पर्टिकुलर आपने पेट्रोल डाला, आपने जो खाना खाया, उसका कुछ जो परसेंटेज आपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया, कुछ आपने यूजलेस वर्क में आपने परफॉर्म किया, आपने वहां पे कन्वर्ट कर दी एनर्जी को। तो यूजफुल बारे वर्क को बच्चों लोग बोलते हैं गिव फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव फ्री एनर्जी इज, अब ये गिव फ्री एनर्जी इज यूज्ड फॉर द केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर। तो एक केमिकल रिएक्शन में जितनी एनर्जी यूजफुल टास्क में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग गिव फ्री एनर्जी। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्या सभी क्लियर है? डेल्टा जी क्लियर हो गया? डेल्टा जी में क्या है? चेंज। वो चेंज क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड की एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट साइड की एनर्जी, दिस इज कॉल्ड चेंज। सिर्फ मैं जी बोलूं तो जी का मतलब होता है गिव फ्री एनर्जी, और गिव फ्री एनर्जी को मैंने सिंपल टर्म में रिलेट किया, सिंपल टर्म है, कोई मैंने साइंटिफिक टर्म यूज नहीं किया है। तो जो यूजफुल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जिसके पास 100% एनर्जी है, आप उसको मिल चुकी है, वो 100% एनर्जी का अगर वो सही से उपयोग करता है, यूजफुल टास्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, तो डेफिनेटली दिस एनर्जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, रिएक्टेंट आपको दिया है मैंने, रिएक्टेंट थोड़े टाइम बाद बच्चों कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, तो जो एनर्जी का चेंज हुआ, अरे भाई कुछ एनर्जी का चेंज होगा ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, जो एनर्जी का चेंज हुआ उस एनर्जी को चेंज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी, मतलब डिफरेंस। क्या समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? और इसको ज्यादा मैं एलोबरेट करूंगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, अभी जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, डन, बिल्कुल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बच्चों अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जारी होगी, तो जाते समय बच्चों वहां पे के इक्विलिब्रियम ऑलवेज ग्रेटर देन वन, इस पे हर साल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हर साल आते हैं और देखने को भी मिलते हैं। और डेल्टा जी बच्चों लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो ही बेटा रिएक्शन हमारी क्या होगी, फिजिबल होगी। जैसे मैं सिंपल सी बेटा रिएक्शन आपसे बोलूं, जरा मुझे बताना, मैं बोलूं बेटा बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्लीज गिव द आंसर, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ पेपर्स, प्लीज गिव द आंसर, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या पेपर्स बच्चों नेचुरल प्रोसेस होता है, होता कि नहीं होता है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो जिन जिन प्रोसेस में बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक वाले केस में जनरली बेटा 99.9% आपका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है, और रिएक्टेंट आपका अनस्टेबल होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है यहां तक? थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा समझाना था, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, अब मैं यहां से बात करने वाला हूं मोनो सब्स्टिट्यूशन की। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन जो हमारे साइक्लो एल्केन साइक्लोहेक्सेन है बेटा, उनको पहले समझते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दो। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मोनो सब्स्टिट्यूशन जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, उसमें टोटल आपके जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि सर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसके पास 6 हमारे कार्बन होते हैं और 12 हमारे हाइड्रोजन होते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ सभी को क्लियर है? कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 12 हाइड्रोजन होंगे। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे जो 12 हाइड्रोजन होंगे उनको हम किस तरीके से ड्रॉ करें, कौन कौन सी पोजिशन हो, तो इंपॉर्टेंट केस ही है। तो ठीक है, इसको हम क्या से समझते हैं? इसको हम समझते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कि 12 हाइड्रोजन को हम कैसे कैसे हम डिफाइन करें, तो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो हमारे 12 हाइड्रोजन होंगे उनको बच्चों हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होगा कि बच्चों मैं उनको लेके जाऊं एक्सियल पोजीशन पे। कहां लेके जाऊं? एक्सियल पोजीशन पे। आपको अच्छे से पता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर बच्चों 6 आपके कार्बन होते हैं, 12 आपके हाइड्रोजन होते हैं।
कार्बन कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बेटा हाइड्रोजन को समझने की। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को मैं समझाऊंगा डेप्थ में। 12 हाइड्रोजन बेटा 6 आपको मिलेंगे कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशंस क्या होंगी बताऊंगा मैं। और बेटा यहां पे आपके सेकंड होंगे आपकी इक्वेटोरियल, ठीक है इक्वेटोरियल। तो जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होगी उसके पास बच्चों मिलेंगे बाकी के बच्चे हुए 6 हाइड्रोजन। क्या पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन वाला बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? 6 हाइड्रोजन आपके एक्सियल पे, 6 आपके इक्वेटोरियल पे, करेक्ट? किसी कोई डाउट इसमें? अभी बता दो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं है? ठीक है, तो देखो इसको हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन क्यों करते हैं, देखो एक्सपेंशन करने से आपको समझ में आएगा डेप्थ में, और इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान सी ट्रिक, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों में इसकी स्टेबल फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ी थी एनर्जी के बेस पे, चेयर फॉर्म, बेटा याद है चेयर फॉर्म इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म थी, अरे थी कि नहीं थी? तो चेयर फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चेयर फॉर्म बच्चों कैसे बन रही थी बताओ जरा, चेयर फॉर्म बेटा सीधी सी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, एक लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक चोंच नीचे आ जाएगी, चिड़िया की चोंच पता है ना वही, ठीक है? एक अपन इस तरीके से यहाँ शिफ्ट करते हैं, दो चोंच बन गए, इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको बैंड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये इधर यूं और इसको अपन यहाँ पे, ठीक है? यश नताशा प्लीज, तो यहाँ पे देखो बच्चों, आवाज सभी क्लियर आ रही होगी? यस सभी क्लियर आ रही है, डन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बेटा हम लोग चेयर फॉर्म को लेने जा रहे हैं, तो चेयर फॉर्म को समझते हैं ध्यान से कि इसमें आपके एक्सल पोजीशन वाले कौन से, इक्विटोरियल वाले कौन से, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका इजी ट्रिक, इजी ट्रिक बच्चों में लिख रहा हूँ अप एंड डाउन, इसको समझो अप एंड डाउन। और फ्लिपिंग भी समझना ध्यान से, फ्लिपिंग में गलती बहुत बार होती है। अगर बेटा अप, अप को मैं डाउन कर दूं और डाउन वाले पोजीशन पे अगर मैं अप कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके इक्वेटोरियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेटोरियल को, पहली चीज समझ लो, ठीक है? सेकंड अगर मैं बात करूं एक्सियल पोजीशन के लिए, तो अप को अप रखो, ऊपर वाले पोजीशन को ऊपर ही रखो, कैसे रखेंगे? डाउन वाले को आप डाउन रखो, डाउन वाले को आप डाउन रखो, तो ये बेटा आपका यहां से हो जाएगा एक्सियल पोजीशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो समझो, यहां पे मुझे बताओ इसमें से अप कौन कौन से हैं, इसमें से अप कौन कौन से हैं बताओ बच्चों। तो एक तो ये अप पोजीशन है, अरे है कि नहीं बताओ बच्चों। पहले तो मैं इक्वेटोरियल पहले बताता हूँ, इक्वेटोरियल वाले को बताता हूँ, ध्यान दो। तो इक्वेटोरियल मैंने पहले बताया था, ये फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस। तो इसमें अप वाले को डाउन करना है, ये ऊपर देख रहा ना कार्बन, इस पर डाउन कर दो यू इस तरीके से, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। ये क्या देख रहा है बच्चों, डाउन, ये नीचे की तरफ है, अरे ये कार्बन नीचे की तरफ है कि नहीं मुझे ये बताओ, मैं कार्बन कर देता हूँ। आप बोलोगे सर कार्बन नहीं बनाया आपने, ये कार्बन यहाँ पे है ना अप, ये कार्बन अप पे है, तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ मैं शिफ्ट करूं बॉन्ड, बेटा अप वाले को डाउन, अप वाले का बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, अप वाला कार्बन है, अप वाला पोजीशन है बेटा कार्बन का, उसमें डाउन नीचे की तरफ बॉन्ड बना दो इक्वेटोरियल। ये बच्चों क्या है, कार्बन डाउन नीचे की तरफ है कि नहीं, तो यहाँ से ऊपर बना दो, ये होगी दोनों इक्वेटोरियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सभी बच्चों क्लियर है कि नहीं बताओ बच्चों, ठीक है? अब इस पे आ जाओ, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इन दोनों में से अप कौन है, इन दोनों में से अप कौन है, ये इन दोनों में से अप कौन है बच्चों बताओ, इन दोनों में से अप कौन दिख रहा है? मैं बनाना चाहूंगा इक्वेटोरियल ना, तो इक्वेटोरियल बच्चों यहाँ पे कैसे बनेगा? तो मैंने बोला है कि जो डाउन है उस पर अप कर दो सर, डाउन वाले पे क्या करना है, अप करना है। अरे भाई ये अप था तो मैंने डाउन कर दिया। मैं बात कर रहा हूं पहले इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल में करना होता है अप वाले में डाउन बॉन्ड और डाउन वाले कार्बन के साथ अप बॉन्ड, इक्वेटोरियल आपको मिलेगा। ये डाउन था तो डाउन से मैंने कर दिया अप, ये आपका डाउन था मैंने कर दिया अप, ये दोनों इक्वेटोरियल हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है बताओ मुझे, डाउन है कि नहीं, डाउन है तो मैं क्या करूंगा अप बॉन्ड इस तरीके से बना लूंगा। और यहाँ देखो ये इस वाले को देखो, तो इस वाले में ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखो इस कार्बन और इस कार्बन में देखो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है नीचे की तरफ, ये आपका इक्वेटोरियल, ये भी आपका इक्वेटोरियल। इसके बाद इधर देखो जरा, यहाँ पे देखो ये आपका कहाँ बेटा, ये आपका कैसा है, ये आपका अपसाइड में है ना, तो मतलब ये डाउन में जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इक्वेटोरियल ये बन गया। और यहाँ से देखो ये डाउन में है, तो डाउन मतलब ये डाउन वाला अप इधर जाएगा, तो आपका इक्वेटोरियल हो गया। तो पहले तो मैंने बताया इक्वेटोरियल की पोजीशन, कि इक्वेटोरियल बॉन्ड को समझना कैसे है, कि अप वाले पोजीशन को डाउन में चेंज करना है, डाउन वाले को अप में चेंज करना है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? हाँ यार सुशांत लिंक ब्रेक कर दिया यार, वही ना एक बार एनर्जी यार मतलब आती है डेफिनेटली, एनर्जी एक बार एक लेवल तक जाती है
हर किसी की जाती है यार। फिर उसके बाद ना चीजें, फिर वो अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ऑब्वियसली आप भी यार इंसान हो, ठीक है, आप भी इस बात को समझ सकते हो बहुत अच्छे से कि अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस करता है, अगर आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो डेफिनेटली कोई डिस्टर्बेंस करता है तो वहां पे वो लिंक कनेक्ट हो जाती है। मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मैं किसी दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाता हूँ। हाँ देखो देखो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको समझो। मैं इस कार्बन को ना, इस कार्बन को मैं इनके रिस्पेक्ट में भी देख सकता हूँ ना, मेरी बात समझो। ये वाले तो क्लियर है ना, ये टर्मिनल वाले, एक तो ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर, ये वाला क्लियर, सभी क्लियर है। ऊपर वाले को नीचे बॉन्ड बना दो, नीचे वाले को ऊपर बॉन्ड बना दो, इधर वाले को ऊपर है उसको नीचे बना दो, नीचे वाले को ऊपर बना दो, ये टर्मिनल वाले समझ में आ गए ना। बीच वाले में क्या होगा वो समझो, बीच वाले में ये कार्बन जो है ना, ये आपका कहां बेटा, ये आपका डाउन पोजीशन पे, इस कार्बन को देखो आप, ये क्या है, डाउन पोजीशन पे है कि नहीं, तो डाउन वाले में क्या करना है आप, अरे डाउन वाले में अब करना ऊपर की तरफ, बना दिया ना मैंने इक्वेटोरियल, अरे क्लियर है बेटा, ऊपर की तरफ बना दिया ना मैंने इक्वेटोरियल, समझ में आ गया, अरे ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, अरे इसको इसको ऊपर वाले से देखना है, ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले के नीचे डाउन है, डाउन का मतलब अप हो जाएगा, हो गया ना, सभी क्लियर है। अच्छा अब इस वाले कार्बन, इस वाले को, क्योंकि बच्चे ने किसी ने पूछा था कि सर बीच वालों को बताओ, मैं वैसे फिर से बताता हूँ, तो इस वाले इसको चेक करना है इस कार्बन से, बात समझो, इस वाले कार्बन को चेक करना है उस ऊपर वाले कार्बन से, और इस कार्बन को चेक करना है इस वाले कार्बन से, इक्वल आपको यहाँ पे हम एक्चुअली कोई एक रूल से नहीं है, दिस इज ओनली ए ट्रिक, ये कोई रूल से नहीं है, ये ट्रिक है समझने के लिए, ठीक है। इस वाले कार्बन को ऊपर ऊपर की तरफ से देखना है तो वो डाउन में तो अप हो जाएगा, ये वाला कार्बन डाउन में है तो ये इसके रिस्पेक्ट में अप हो जाएगा, तो अप हो जाएगा तो यहाँ पे डाउन जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। नहीं नहीं बिल्कुल, जहां भी डाउट है उसको पूछ लो, अभी क्लियर करना जरूरी है, इजी ट्रिक कैसे काम कर रही है समझना जरूरी है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ मुझे। ओके रोहित परफेक्ट, यस पृथ्वी बेटा क्लियर, चलो सभी बच्चों क्लियर है, ठीक है। मैं ये जो कौन नीचे वाला कोई, नीचे वाला तो अपने रिस्पेक्ट में ही रहेगा, नीचे वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे वाला ऑलरेडी नीचे डाउन में दिख रहा है तो ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला ये नीचे हो जाएगा बस, तो टर्मिनल वालों में दिक्कत नहीं है, बीच वालों को समझना था वो मैंने बता दिया, इस वाले कार्बन को ऊपर से देखना है और इस वाले कार्बन को यहां से देखना है, बाकी तो एज इट इज ही है, अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया था आप लोगों के बीच में से ही, उस बच्चे की रिक्वेस्ट पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, तो आप समझ सकते हो मैं हर एक बच्चे को कितनी वैल्यू दे सकता हूँ और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, अगर कोई नहीं, अगर वो बच्चा कॉल नहीं करता ना, मैं आज जीओसी सेकंड पढ़ा रहा होता, मैं इसको नहीं पढ़ा रहा होता, ये बात भी समझ लो, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे हम लोग सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे एक्सेल को लेकर, ठीक है। इक्विटोरियल सभी क्लियर हो गया, अब आते हैं एक्सेल बॉन्ड पे, तो एक्सेल बॉन्ड में साइक्लोहेक्सेन वाला वही केस ले लेते हैं, एक यहाँ पे बना लिया, ये मैंने यू बना लिया, एक चोंच नीचे कर लेते हैं इसकी और ये वाली चोंच ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चोंच तो समझ में आता है ना, चिड़िया की चोंच, बस वही। अब चलो एक्सेल वाले के लिए देखो इजी ट्रिक क्या है, तो एक्सेल वाले के लिए इजी ट्रिक देखो बताता हूँ, आपको अप रखो, ठीक है, आपको अप रखो और डाउन को डाउन ही रखो, डाउन पे डाउन बॉन्ड बना दो बस नीचे की तरफ, ये हो जाएगा बेटा एक्सेल। अब समझो एक्सेल में क्या है, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, छह, हो गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो बच्चों ये आपकी अपोजिशन है, अरे अपोजिशन है ना, ये वाला कार्बन अपोजिशन पे है ना, तो अपोजिशन में ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाओ, यू बॉन्ड बेटा, बना कि नहीं बना तो बताओ जल्दी से, अप पे अप बनाना है, हो गया एक्सेल। ये डाउन नीचे है, डाउन वाले पे डाउन, नीचे की तरफ बना दो, डाउन पे डाउन, हो गया ना, सभी क्लियर हो ना। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला बेटा डाउन है ना, तो डाउन पे डाउन बना लो, नीचे की तरफ बना लो सीधा, कोई इश्यू नहीं है, ये अप है तो इसको अप बना लो, ठीक है। नीचे वाले डाउन है तो डाउन पे डाउन बना दो, ये अप है तो अप पे अप बना लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बताओ पहले जल्दी से, ठीक है। डाउन पे डाउन, अप पे अप, आपको मिलेगा एक्सियल, ये भी एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये सारे के सारे आपके एक्सियल है, सभी को समझ में आ रहा है, अप पे अप, डाउन पे डाउन, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अरे यहां तक किसी बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ किसी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बताओ बेटा, ठीक है परफेक्ट।
अभी अब इनके बाद अगर मैं दोनों को मीट करा दूं, अगर मैं इनके बाद दोनों को मीट करा दूं एक्चुअल इक्वेटोरियल को, तो कैसे बनेगा वो भी समझ लो। तो देखो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, तो ये वाला देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल इधर आ जाएगा, ये वाला इक्वेटोरियल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे इक्वेटोरियल किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये इक्वेटोरियल हो गया। इस डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पे ये इक्वेटोरियल हो गया, परफेक्ट है ना, समझ में आ रहा है सभी को। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल और यहाँ पे इक्वेटोरियल, बताओ। तो पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन आपको यहाँ पे डेवलप हो गया है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन ये है कि सर कन्फर्मर्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब साइक्लोहेक्सेन ऑलरेडी इस तरीके से स्टेबिलिटी डिफाइन करता है अपना, तो फिर ये डिफरेंट फॉर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बच्चों साइक्लोहेक्सेन ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें बॉन्ड एंगल बच्चों एक्चुअली में आपका 120 डिग्री का राउंड आता है, बट मुझे चाहिए टेट्राहेड्रल वाला, तो इसलिए डिफरेंट फॉर्म में बना बना के दिखता हूं। जोन जोन सी फॉर्म इसमें बनती रोटेशन करने के बाद, तो ये फॉर्म बनाने के पीछे रीजन है टू गेन दी स्टेबिलिटी। मैंने हमेशा बोला है साइक्लोहेक्सेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप में स्टेबल है, लेकिन जब मैं पूरी तरीके से बात करूं क्या साइक्लोहेक्सेन का जो रियल स्ट्रक्चर, ये जो हम बात करते हैं, क्या ये आपका परफेक्ट आपका स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो मेरा आंसर होगा नो, ये बिल्कुल परफेक्ट रियल स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका सबसे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर आपका ये वाला होगा, ये जो दिख रहा है ना अभी, इसमें क्या होगा रोटेशन होगा, इस चौंच को मैं नीचे लेके आऊंगा, अरे ये वाली चौंच है ना, इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, इस चौंच को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, समझ रहे हो ना, ये चौंच को ऊपर नीचे लेके आऊंगा। अगर दोनों चौंच को मैं ऊपर कर दूं, समझो ध्यान से, दोनों चौंच को पकड़ के मैं ऊपर ही कर दूं, ये चौंच ऑलरेडी इधर वाली तो ऊपर है, इसको मैं ऊपर कर दूं, तो क्या बोट बन जाएगी ना, अरे बोट बनेगी ना, बोट फॉर्म समझ में आ रही है सभी, क्लियर है क्या। फिर दोनों चौंच को ऊपर रखो, बीच में पकड़ के घुमा दो ऐसे, अरे बीच वाले इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को पकड़ के घुमा दो इस तरीके से, ट्विस्ट कर दो, हाँ इसको घुमा दो इस तरीके से, दोनों को चौंच को ऊपर रखो, तो ट्विस्ट बोट हो जाएगी ना, अरे ट्विस्ट बोट होगी कि नहीं होगी जल्दी से बताओ, हो जाएगी ना। हाफ चेयर में क्या होगा कि इस चौंच को उठा के आप यूं लगा दो ऐसा, तो हाफ बोट हो जाएगी। अरे समझ में, बस चौंच का ही रोटेशन है, तो चौंच का रोटेशन करेंगे ऊपर नीचे, और सारे के सारे फॉर्म आपके दिमाग में आ रहे होंगे, अभी सारे के सारे फॉर्म दिमाग में बैठ रहे होंगे, परफेक्टली बैठ रहे होंगे, सभी क्लियर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कन्फॉर्मर्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज जो साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पे डिफाइन की जाएगी, उसकी तरफ हम लोग चलने की बात करते हैं। यहाँ तक सभी कन्फर्म हो गया है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, डन, ओके। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यस। अब देखो मोनो सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, और मैं फिल्पिंग की तरफ आता हूं थोड़ा सा, फिल्पिंग क्या होगा, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे फिल्पिंग, ठीक है। फिल्पिंग क्या है, तो फिल्पिंग में एक बार जरूर ध्यान रखना सभी लोग, कि जो अप वाला है उसको अप ही रखना, डाउन वाले को डाउन में ही रखना, ठीक है, डाउन वाले को डाउन में ही रखना है, लेकिन बच्चों एक्सियल को इक्विटोरियल पे लेके जाना और इक्विटोरियल को एक्सियल पे लेके जाना, बस ये जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आपका डाउन कर देते हैं, डाउन को अप कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं। मैं कहता हूं फिल्पिंग, फिल्पिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होगा, फिल्पिंग के अंदर आपको एक्सियल वाला जो होगा वो इक्विटोरियल पे लेके जाना है पोजिशन पे, और इक्विटोरियल वाले को आपको एक्सेल पे लेके जाना है, और अप वाले को अप ही बना के रखना है, डाउन वाले को डाउन ही बना के रखना है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। अभी एक एग्जांपल समझते हैं, चलो ये एग्जांपल मैंने इस तरीके से ले लिया है, चलो ये एग्जांपल, हाँ लेते हैं बेटा एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल मैंने यूं इस तरीके से लिया है, और देखो समझते हैं अपन लोग, ये मैंने इस तरीके से बना दिया और इसको मैं यूं लेके आया हूं यहां तक, देखो ध्यान से है ना, चेयर फॉर्म आपको बना लो, चेयर फॉर्म से बात करेंगे। चलो बेटा जोड़ते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे यह हाइड्रोजन, बताना इक्विटोरियल कौन सा और एक्सियल कौन सा, अभी सब बात करेंगे धीरे धीरे। इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बेटा कौन सा, यह हाइड्रोजन इधर बना लेते हैं, बाकी एक हाइड्रोजन को हम यहाँ बना लेते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोजन इधर, ठीक है, इसको इधर, इस पे आते हैं तो यह हाइड्रोजन यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन को, लेते हैं CH3 यहाँ पे है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये स्ट्रक्चर क्लियर दिमाग में बैठ रहा है सभी के, इस स्ट्रक्चर में एक्सियल कौन सा है, इक्विटोरियल कौन सा है, पहले वो तो बात कर लो सर, ठीक है। तो बताओ बच्चों एक्सियल कौन से है, एक ये एक्सियल, ये ए एक्सियल, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एक्चुअली हैं,
मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ जल्दी से, एक्सियल, एक्सियल एंड एक्सियल। एक्सियल को ना अपन एक तरीके से और समझ सकते हैं। एक्सियल को समझने का एक लॉजिक ये भी होता है कि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन था, तो साइक्लोहेक्सेन में आप मुझे बताओ एक्सियल सिमेट्री कहाँ है? साइक्लोहेक्सेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है बताओ मुझे? साइक्लोहेक्सेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है बताओ बच्चों? साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल सिमेट्री कहाँ मिलेगी? वो तो सेंटर पे मिलेगा ना, यहाँ से सेंटर से ही पास होगा, बीच में, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको तो ऐसे बोल सकता हूँ, साइक्लोहेक्सेन इज एक्चुअली द मोस्ट स्टेबल एलिसाइक्लिक रिंग। एलिसाइक्लिक रिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे स्टेबल आपका साइक्लोहेक्सेन ही होता है। बट साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है बच्चे, वो एग्जिस्ट करती है नॉन प्लेनर कन्फॉर्मेशन के अंदर। साइक्लोहेक्सेन जो मैंने ये बनाई है ना, ये आपकी बेटा जो एलिसाइक्लिक सिस्टम के सारे सिस्टम की मैं बात करूं तो ये आपका सबसे स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो एग्जिस्टेंस है बच्चों, वो आपको मिलती है नॉन प्लेनर, प्लेनर में नहीं होती है, नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। तो नॉन प्लेनर होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको मिलने वाले बच्चों एंगल स्ट्रेन। तो इस एंगल स्ट्रेन, उस रिपल्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंट कन्फॉर्मर्स लेके आते हैं, जिसमें बोट फॉर्म है, जिसमें चेयर फॉर्म है, जो हम लोगों ने बात करी थी। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें एक्सेस कहाँ होगा। तो एक्चुअली बेटा रियल स्ट्रक्चर तो यही होगा, अरे रियल स्ट्रक्चर तो यही होगा, आप यहाँ पे इसे कर सकते हो। मैंने मॉर्निंग में भी आपको एक लिंक भेजा था, है ना, वो आपने शायद देखे होंगे स्क्रीनशॉट। इसको यूं जोड़ लो बेटा, ये देखो ध्यान से, इसको यूं जोड़ लो यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड करो यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड करो यहाँ पे। अरे बेटा ये वाला सेक्शन देखो ना, जो अभी मैंने जस्ट बनाया डॉट डॉट से, ये भी क्या साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है? सर वही साइक्लोहेक्सेन ही तो है। आप बताओ मुझे ये साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं? अरे बेटा इसी की जनरल फॉर्म देख लो ना, यहाँ पे यूं और यहाँ पे ये, मैंने इसको डैश डैश करके यहाँ मिला दिया, और ऊपर मैंने डैश डैश करके यहाँ मिला दिया, और चौंच ऊपर नीचे कर दिया, उसको भी मत मानो। तो ये तो साइक्लोहेक्सेन ही दिख रहा है मुझे, तो दिस इज एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन, बट दिस साइक्लोहेक्सेन हैविंग द एंगुलर स्ट्रेन, नॉन प्लेनर, जिसकी वजह से बेटा ये अनस्टेबल होगा। तो इसकी, इसलिए इसकी डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है। इतनी बात दिमाग में बैठ गई है कि चेयर फॉर्म में हम साइक्लोहेक्सेन को कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इतनी बात सभी के दिमाग में बैठ रही है बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी के दिमाग में बैठ रही होगी परफेक्टली, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेयर फॉर्म के अंदर बेटा 6CH बॉन्ड, चेयर फॉर्म जो है इसमें आपके 6CH जो आपके बॉन्ड है बेटा, वो पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल, PARALL, पैरेलल होते हैं किसके बेटा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 6CH बॉन्ड आपके पैरेलल होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। तो एक्सिस सिमेट्री बच्चों ये जा रही है, देखो बात समझ में आ रही है। तो इस मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूं तो एक्सिस सिमेट्री बेटा यहां से मिलेगी, बताओ मुझे जल्दी से। तो एक्सिस सिमेट्री ये आपकी AOS है, तो इस AOS के पैरेलल 6 बॉन्ड। अरे बताओ पैरेलल मतलब क्या? एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हर कार्बन पे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे तो मिलेगा ना, मेरी बात मुझे बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सारे के सारे कार्बन पे ऊपर और नीचे तो मिलते नहीं है, ऊपर नीचे तो इक्विटोरियल भी होता है, एक्सियल भी होता है। तो जो एक्सियल वाला केस है, यही तो केस एक्सियल वाला है, जो एक वर्ड यूज करते हैं ना अपन, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड का मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो एक्सोसिमेट्री के पैरेलल में जो 6CH बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे जो 6CH बॉन्ड होते हैं, उन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्सियल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक्सियल बॉन्ड को आप रिलेट करो बेटा एक्सोसिमेट्री के साथ, एक्सोसिमेट्री साइक्लोहेक्सेन में प्रेजेंट है। तो अल्टरनेट कार्बन पे आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पे 6CH बॉन्ड आपको जो मिलेंगे, जो हम लोगों ने बात की एक्सियल। अरे बेटा एक्सियल वाला केस पता है ना? अरे बताओ बेटा एक्सियल कौन कौन सा है? एक तो ये वाला एक्सियल होगा। अरे बताओ भाई ये एक्सियल होगा कि नहीं होगा? सभी लोग बताओ होगा ना? जो एक्सियल है आपको कितने होंगे? टोटल तो आपके 6 आपको एक्सियल मिलेंगे ना, टोटल 6 आपको एक्सियल मिलने वाले हैं। तो जो 6 एक्सियल मिलने वाले हैं, तो 6 एक्सियल मिलने के पीछे रीजन क्या है? रीजन आपको बता सकते हो कि एक्सोसिमेट्री के पैरेलल में जो 6CH बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल, बाकी बचे हुए क्या होते हैं? इक्विटोरियल। और जो इक्विटोरियल वाले होते हैं ना, उनका बॉन्ड एंगल, जो रिमेनिंग 6 होंगे, जो रिमेनिंग 6CH बॉन्ड होंगे, उनका बेटा बॉन्ड एंगल आता है 109.5 डिग्री। बाकी जो 6 बचे हुए हैं एक्सियल को छोड़ के, जो इक्विटोरियल वाले हैं, इक्विटोरियल वालों का जो बॉन्ड एंगल बच्चों होता है वो 109.5 डिग्री पे आपके प्रेजेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और किसके रिस्पेक्ट में? उस एक्सोसिमेट्री के रिस्पेक्ट में। जो एक्सोसिमेट्री दिख रही है ना, उस एक्सोसिमेट्री के पैरेलल वाले बच्चों क्या होंगे? एक्सियल बॉन्ड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
और एक्सोसिमेट्री से अगर बन 9.5 डिग्री यूं होगा, 90 डिग्री तो ये ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा ना, तो 109.5 डिग्री पे जो आपको बॉन्ड मिलेंगे, जो एटम मिलेंगे बेटा, वो सारे के सारे इक्विटोरियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हूं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट बाई स्मॉल ए इन इक्विटोरियल रिप्रेजेंट बाई ई। बिल्कुल बेटा परफेक्टली मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, सभी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो परफेक्ट, समझ में आ गया। अभी इसको ना थोड़ा और डेप्थ में थोड़ा और अलग तरीके से बनाते हैं। देखो जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे यूं इस तरीके से लिया एक स्ट्रक्चर, ध्यान देना सभी लोग, इस तरीके से लिया मैंने स्ट्रक्चर और इस पे डेवलप करते हैं अपन। इस तरीके से एक चौंच मैंने यूं बना ली और एक चौंच मैंने क्या करा इस तरीके से यहां बना ली। ध्यान देना ये हाथ, अभी मैं चेयर फॉर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। इसमें एक्चुअल इक्विटोरियल को समझते हैं हम लोग। बताओ बेटा एक्चुअल कहाँ पे? तो मैं बोलूं सर यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना सर यूं पास होगी, ये आपकी क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, होगी ना। अब देखो यहां से ध्यान से, अब यहां से क्या होगा सर, इसके पैरेलल में तो पैरेलल वाले एक ये हो गया ए, एक्सियल, मैं एक्सियल बता रहा हूं पहले, ये आपका एक्सियल, वो टॉप बॉटम वाला ध्यान रखना वो भी बराबर साथ में काम करेगा, ये वाला एक्सियल मैं रेड कलर से बना रहा हूं, वो सारे एक्सियल। यहां पे बात करेंगे तो ये वाला एक्सियल, यहां बात करेंगे तो यहां पे ये एक्सियल, यहां पे बात करेंगे तो आपका ये वाला एक्सियल। अब आते हैं इक्विटोरियल की तरफ, इक्विटोरियल बेटा आपका ये वाला, देखो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आपको मिलेगा अप्रोक्स। यहां पे देखो ध्यान से, ये इक्विटोरियल, यहाँ पे बात करेंगे तो ये इक्विटोरियल, ठीक है ध्यान दो बच्चों। और इसके साथ बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, ये आपका इक्विटोरियल, यहाँ पे बात करेंगे तो बच्चों ये इक्विटोरियल, यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला इक्विटोरियल। अब बताओ ध्यान से, दिमाग में बैठ रहा है? बॉन्ड एंगल के बेस पे भी इक्विटोरियल वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विटोरियल वाले जितने भी आपके एटम्स हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में बच्चों कितने बॉन्ड एंगल पे होंगे? 109.5 डिग्री पे होंगे। और जो आपके एक्सियल पोजीशन वाले जो बॉन्ड्स हैं या जो एटम्स अटैच होंगे साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर चेयर फॉर्म के अंदर, उनको ध्यान देना कि वो बच्चों किसके होंगे, वो आपके पैरेलल होंगे किसके? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ सभी लोग, यहां तक सभी बच्चों क्लियर हो रहा है? बड़ा बहुत ही डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं, चीजें बिल्कुल इजी है, समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। अब देखो, अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया सर आपको, या तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से चेयर वाला क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, दूसरे कंपाउंड में भी हम एओएच निकालकर उसके पैरेलल एक्सियल बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। अब आते हैं बच्चों हम लोग बोट फॉर्म की तरफ, तो बोट फॉर्म को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बोट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर उससे समझते हैं। तो बोट फॉर्म बच्चों कैसे बनेगी बताओ? बोट फॉर्म का तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है सर, यूं बना लो, दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो और इसके बाद एक चौंच ऊपर लेके जाओ इस तरीके से, और इसकी चौंच भी सर इस तरीके से ऊपर लेके जाओ, ठीक है। मैं चौंच वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि किसी भी साइंस के कॉन्सेप्ट को, किसी भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अगर आप रियल लाइफ से कंपेयर करते हो, चीजें आपके लिए आसान हो जाती है समझने में, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सर एक्सोसिमेट्री तो यूं जाएगी यहां से, और साइक्लोहेक्सेन को जरा ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा? अरे भाई साइक्लोहेक्सेन तो सर ये है, ये मेरे दिमाग में बैठ रहा है। बताओ सभी लोग, ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? परफेक्टली बैठ रहा है कहीं बैठ रहा है, जल्दी से बताओ। तो मैंने क्या करा, दोनों चौंच को उठा के ऊपर कर दिया ना, तो बोट फॉर्म देखी कि नहीं देखी, जल्दी से बताओ। परफेक्ट है, सभी क्लियर हो रहा है? तो बोट फॉर्म जो बेटा कन्फॉर्मर्स है, इसके अंदर जो फोर बॉन्ड होते हैं बेटा वो परफेक्ट होते हैं एक्सियल पे। बात समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चेयर फॉर्म के अंदर सिक्स बॉन्ड थे आपके एक्सियल पे, सिक्स बॉन्ड थे इक्विटोरियल पे। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही है? बोट फॉर्म के अंदर बच्चों फोर बॉन्ड होते हैं आपके कहां पे? एक्सियल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा यहाँ पे आपके फोर बॉन्ड होते हैं आपके इक्विटोरियल पे, फोर बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल पे। क्या सभी के दिमाग में बैठ रहा है? फोर बॉन्ड इक्विटोरियल पे होंगे, मैं बताऊंगा अभी, और फोर बॉन्ड बच्चों मिलते हैं एक्सियल पोजीशन पे। क्या सभी क्लियर है? अब बाकी सर दो दो कहां जाएंगे? इसके पास भी तो सर दो बचेंगे, इसके पास भी तो सर दो बचेंगे, तो बाकी जो दो बचे हुए हैं वो बच्चों प्रेजेंट होते हैं फ्लैग, अरे फ्लैग झंडा, समझते हो ना, फ्लैग पोल समझते हो बेटा? फ्लैग पोल का मतलब जो मंदिर है ना, तो मंदिर के ऊपर अपन झंडे को लगाते हैं ना, तो ऊपर सबसे ऊपर झंडे को कहां लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं, अपने नेशनल जो फ्लैग है उसके, वो आपको पता है जहां पे लगता है उसके आसपास कोई भी ऊंची बिल्डिंग उसके बराबर में नहीं होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो फ्लैग पोल का जो टॉप मोस्ट पोजिशन है तो वहां पे दो एटम्स आपको अटैच मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग पोल बॉन्ड्स।
क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल बॉन्ड्स उसको हम लोग बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? बोट फॉर्म के अंदर बेटा पहले रिपीट करो मुझे साथ, मेरे साथ एक्सेल पे क्या मुझे बताओ पहले, चेयर फॉर्म में क्या था? चेयर फॉर्म में सिक्स कहां पे थे बताओ मुझे, एक्सेल पे सिक्स कहां पे थे आपके, इक्विटोरियल पे। दोनों समझ में आ गए थे अच्छे से कैसे कैसे बनाना है। दूसरा बोट फॉर्म के अंदर चार आपके एक्सेल पे होंगे, चार एक्सेल का मतलब पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फोर होंगे बच्चों इक्विटोरियल पे, दो आपके कहां पे होंगे फ्लैग पोल पे, फ्लैग पोल बॉन्ड बनाएंगे। और इक्विटोरियल के अंदर भी बच्चों दो कहां बनाएंगे, फ्लैग पोल बॉन्ड, फ्लैग पोल बॉन्ड। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बच्चों बताओ पहले, फ्लैग पोल बॉन्ड ये क्लियर हो रहा है सभी को? बताओ जल्दी से। यहां तक बताओ सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार आंसर कर दो बच्चों, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन है तो बच्चों यहां पे ये वाला ये फ्लैग पोल, इधर से बात करेंगे तो ये फ्लैग, ये दोनों फ्लैग पोल यहां पे देख, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? टॉप मोस्ट की तो बात करेंगे, एक यहां पे आपको दिखेगा ठीक है हाँ, और एक आपको फ्लैग पोल वाला इस तरीके से यहां पे ये बी इस तरीके से दिखेगा। ये फ्लैग पोल वाले दो हो गए हैं, दो आपके फ्लैग पोल के हो गए। अब चार क्या होने चाहिए सर, एक्सेल मतलब पैरेलल टू एक्सोसिमेट्री। तो पैरेलल बेटा क्या, एक तो ये एक्सेल हो गया, एक ये वाला एक्सेल हो जाएगा, इधर की बात करेंगे इक्विटोरियल, यहां बात करेंगे तो ये इक्विटोरियल ठीक है, और इधर बच्चों बात करेंगे तो ये एक्सियल, यहाँ पे ये वाला एक्सियल, यहाँ बात करेंगे तो ये इक्विटोरियल इधर, और यहाँ बात करेंगे तो ये इक्विटोरियल इधर। बताओ ये जो स्ट्रक्चर आपको आपको जो देख रहा है यहाँ पे बोट फॉर्म का, उस बोट फॉर्म में आपके एक ये दोनों और आपके ये दोनों बच्चों क्या है, फ्लैग पोल वाले बॉन्ड्स, दो दो चार, बाकी चार आपको दिख रहे हैं एक्सोसिमेट्री के पैरेलल में, उसको हम एक्सेल बोलेंगे, ए से रिप्रेजेंट किए हैं। बाकी जो ई वाले हैं, दिस इज ई एक्चुअली, जो ई वाले हैं वो आपके हैं इक्विटोरियल वाले। क्या दिमाग में बैठ गया स्ट्रक्चर सभी के? क्या सभी बच्चे के दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा परफेक्टली? बताओ मुझे, यहां तक सभी बच्चे के दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा पहले ये बताओ। अब मैं बोलूंगा आपसे, जरा ध्यान देना, अब मैं बोलूंगा आपसे जो फ्लैग पोल वाले हैं ना, एक तो ये वाला आइटम और एक ये वाला आइटम, दोनों क्लोज है कि नहीं? अगर दोनों क्लोज हैं तो यहाँ पे स्टेन आएगा। और कौन सा स्टेन आएगा बच्चों? बॉन्ड भी क्लोज होंगे, अरे बॉन्ड भी तो क्लोज हो रहे हैं ना। देखो ये वाले बॉन्ड देखो, यहाँ से ये वाले बॉन्ड देखो, बॉन्ड एंगल कम हो गया ना, तो यहाँ पे बॉन्ड भी क्लोज है, एटम भी ऊपर क्लोज है। जब बॉन्ड भी क्लोज है, एटम भी क्लोज है, तो आप रिपल्शन मिलेगा यहाँ पे। और कौन सा रिपल्शन मिलेगा बताओ मुझे? तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्शनल स्ट्रेन, और कौन सा हो जाएगा, स्टीरिक स्ट्रेन। दोनों टाइप के स्ट्रेन आपके यहाँ पे हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि क्योंकि बॉन्ड भी क्लोज क्लोज आ गए ना ऊपर वाले, देखो बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड भी क्लोज आ गए, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड भी क्लोज आ गए, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। ऊपर एटम देखो, ये वाला एटम इसके क्लोज आ जाएगा, तो आने के बाद यहाँ भी रिपल्शन फील होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे स्ट्रेन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इतनी बात सभी क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रेन आपका मैक्सिमम हो जाएगा डेफिनेटली, डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन होगा वो आपका दोनों जगह मैक्सिमम हो जाएगा। सभी क्लियर है? बताओ बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, क्लियर है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और फ्लैग पोल वाले क्लोज हैं तो वहां पे बाउंड्री वॉल तो दिखेगा ना, एटम्स के बीच में रिपल्शन, तो बाउंड्री वॉल रेडियाई आपकी ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से वहां भी आपको बाउंड्री वॉल रिपल्शन भी देखने को मिलेगा। और बाउंड्री वॉल रिपल्शन जो होता है ना, उसका स्पेसिफिक नियम होता है, बाउंड्री वॉल रिपल्शन का एक बड़ा स्पेसिफिक नियम होता है, जिसका नियम होता है ट्रांस, जिसका नाम होता है ट्रांस एनुलर ANULAR, ट्रांस एनुलर स्ट्रेन। बाउंड्री वॉल स्ट्रेन का एक नाम और होता है, अगर ये कहीं लिखा मिलता है आपको पेपर के अंदर या कहीं क्वेश्चन में, ट्रांस एनुलर स्ट्रेन, ये वॉन्डर वॉल स्ट्रेन को ही बोलते हैं। तो जब एटम्स क्लोज आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉन्डर वॉल स्ट्रेन, मिलेगा डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से बच्चों देखो एफ एफ वाले दोनों क्लोज आएंगे ना, फ्लैग वाले जब क्लोज आएंगे तो इसलिए बोलेंगे यहाँ पे कि आपका ट्रांस एनुलर स्ट्रेन या फिर वॉन्डर वॉल स्ट्रेन भी यहाँ पे आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देगा।
तो ये वर्ड तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये वर्ड क्लियर हो गया ना सभी को? चलो अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग ट्विस्ट बोट, ठीक है, ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो ट्विस्ट बोट फॉर्म कैसे बन रही है? तो ट्विस्ट बोट फॉर्म में, ट्विस्ट बोट फॉर्म को बेटा प्लीज समझो ध्यान से, ट्विस्ट बोट फॉर्म में तो पहले तो बना लो आप साइक्लोहेक्सेन नॉर्मल। सर ये साइक्लोहेक्सेन हमारा होगा इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन सर ऐसे बनता है, बनता है ना, सभी को क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन सर यही बनता है। अब इसमें से हम बॉन्ड को ट्विस्ट कराएंगे, और आप जब ट्विस्ट कराएंगे तो देखो ये वाला बॉन्ड तो यहाँ चला जाएगा, नीचे वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला बॉन्ड नीचे। ट्विस्ट किया है ना अपन ने, तो ट्विस्ट किया है देखो, तो ये वाला बॉन्ड एक ऊपर वाला बॉन्ड नीचे और नीचे वाला बॉन्ड ऊपर। इतनी बात समझ में आ रही है? ट्विस्टिंग के लिए मतलब ये वाला जो बॉन्ड था जो रेड कलर से मैंने डॉट डॉट किए थे ये ऊपर चला गया और सर ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ट्विस्ट किया है मैंने, ट्विस्ट समझो बेटा, ट्विस्ट बोट फॉर्म को समझ में आ रहा है सभी को? बोट फॉर्म है बेटा, तो बोट फॉर्म में तो आपको पता ही है, तो बोट फॉर्म में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जो चोंच अभी नीचे थी वो चोंच अभी आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और ये वाली चोंच यहाँ पे थी ये भी ऊपर की तरफ आपकी चली जाएगी। बताओ पहले ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिमाग में देखो बेटा, साइक्लोहेक्सेन सामने ड्रॉ किया है मैंने डॉट से, साइक्लोहेक्सेन डॉट से ड्रॉ किया है, और वहां पे ट्विस्ट बोट फॉर्म मैंने कैसे बनाई है वो आपको परफेक्टली समझ में आ रही होगी। बेटा दिमाग में बैठ रहा है स्ट्रक्चर? पहले ये बताओ तो मुझे, परफेक्टली बैठ रहा है ना? यस yes, बिल्कुल। अब इसका ना रियल स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। मुझे मुझे बताना था कि एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन चेंज कैसे होता है, ठीक है, बस वही चीज पॉइंट वही चीज थी और कुछ भी नहीं। देखो तो यहाँ पे ट्विस्ट बोट फॉर्म की बात करें सीधा, तो देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, ट्विस्ट किया था ना बॉन्ड अपन ने, तो इसको अपन बेटा यूं कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। सर ये चौंच ऊपर जा रही है और यहाँ भी सर ये चौंच इस तरीके से ऊपर जा रही है, होगी ट्विस्ट बोट। साइक्लोहेक्सेन तो क्लियर है सभी के दिमाग में? अरे साइक्लोहेक्सेन को यहाँ पे बना लो यार डॉट डॉट करके, इनको बोलोगे सर कंपेयर करने में आपको आसानी होगी और कुछ भी नहीं, बस हो गया नहीं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बाकी इसमें जो सिमेट्री है वो यहाँ से पास होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब कहानी स्टार्ट करते हैं, तो अब इसके अंदर ये जो आपका स्ट्रक्चर है तो जो बोट फॉर्म है उसको हम ट्विस्ट करते हैं, बोट फॉर्म को ट्विस्ट करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, इसको पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं बस बोट फॉर्म में। और बोट फॉर्म अगर ट्विस्ट करते हैं तो प्लेन बच्चों क्रॉस करते हैं, जो जो एक दूसरे के प्लेन होते हैं ना वो आपके क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो प्लेन यहाँ पे आपके क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को। जब प्लेन क्रॉस करेंगे तो उस केस में आपके जो एटम्स हैं वो बच्चों प्लेन से बाहर चले जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन। एटम्स बेटा क्या होंगे? आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। जब एक दूसरे के प्लेन अगर क्रॉस करेंगे तो प्लेन करने पे आपके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो भी एटम्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके क्रॉस कर जाएंगे, प्लेन के बाहर चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब वो प्लेन के बाहर चले जाएंगे तो रिपल्शन कम, रिपल्शन कम, सारे के सारे स्ट्रेन कम, सारे के सारे स्ट्रेन कम। जब स्ट्रेन कम हो जाए, अभी हो जाएंगे ना प्लेन से दूर हो जाएंगे, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होने से वहां पे डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बोट फॉर्म की कंपैरिजन में जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है इसकी स्टेबिलिटी अधिक क्यों होती है? रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को ट्विस्ट करता है बोट फॉर्म वाले को, पड़े घुमाता हूं मैं, तो उस केस में जिनके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम है वो प्लेन से बाहर चले जाते हैं, तो प्लेन से बाहर जाने पे क्या होगा, रिपल्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और रिपल्शन मिनिमम होने की वजह से यहाँ पे जो ट्विस्ट बोट फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी बच्चों, किससे? बोट फॉर्म से। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? चलो बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर, फ्लैगपोल वाले पे आते हैं। यस, ये बी, ये आपका एफ यहाँ पे, ये एफ यहाँ पे, आपका ये बी, ठीक है, और नीचे की तरफ अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, यस, यहाँ पे आपका ये आपका हो गया यहाँ पे इक्वेटोरियल, ये हो गया आपका एक्सियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल। यहाँ पे बात करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, यहाँ पे आपका एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल, क्लियर है? ये प्लेन से बाहर चले जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है? अब बोलोगे सर नीचे वाले तो सर प्लेन के बाहर चले गए, ऊपर वाले क्या, फ्लैगपोल वाले? तो फ्लैगपोल वाले भी बच्चों क्या हो जाते हैं, अभी
जो बोट फॉर्म थी ना, बोट फॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पे जो फ्लैग पोल वाले, जो फ्लैग पोल वाले जो आपके हाइड्रोजन एटम्स होंगे ना, जो भी ग्रुप होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे एटम वो भी आपके थोड़े से दूर हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, और अवे होने की वजह से वहां पे आपका जो स्टेयर रिपल्शन है, जिसको हम वैन डर वाल रिपल्शन बोल रहे थे, वो भी आपका मिनिमम हो जाएगा, स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्विस्ट बोट फॉर्म और जो बोट फॉर्म है, उन दोनों की अगर एनर्जी के डिफरेंस की बात करें तो 1.6 किलो कैलोरी पर मोल निकल के आता है डिफरेंस। बात समझो बच्चों, तो बोट फॉर्म की 1.6 किलो एनर्जी ज्यादा होती है और ट्विस्ट बोट फॉर्म की इतनी 1.6 कम होती है बोट फॉर्म से। तो एनर्जी का डिफरेंस ये बता रहा होता है कि कहीं ना कहीं ट्विस्ट बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है। ये बात आपको समझ में आ रही है एज कम्पेयर टू बोट। सभी क्लियर है बच्चों? बता दो, सभी क्लियर हो गया है? यहां तक सभी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम समझते हैं यहां पे थोड़ा फिल्पिंग को। तो फिल्पिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसमें मैंने बताया था टॉप को टॉप पे रखो, है ना, टॉप को टॉप पे रखो। मैं लिख देता हूं फिर से, टॉप को टॉप पे ही रखो, ठीक है, बॉटम को बॉटम पे ही रखो, डाउन को डाउन पे रखो, बट जो एक्सेल वाला है उसको इक्विटोरियल पे लेके जाओ और इक्विटोरियल वाले को एक्सेल पे लेके आओ। बस इतना करना है फिल्पिंग के अंदर। दिस इज रूल ऑफ फिल्पिंग, ये आपका फिल्पिंग का रूल है, ठीक है, ये रूल आपका सिर्फ और सिर्फ फिल्पिंग का है। तो इसमें फिल्पिंग देखेंगे हम लोग कैसे होती है और क्या होती है, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक मिनट रुकते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पानी पी लूं मैं फिर। चलो बच्चों क्लियर करते हैं, नेक्स्ट में कंटिन्यू करने वाला हूं। यस, फिल्पिंग में आपका ये कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा, फिल्पिंग के साथ में आपको सिस और ट्रांस बताने वाला हूं, ठीक है, सिस और ट्रांस। तो बच्चों सिस और ट्रांस की बात करेंगे तो सिस वाले में क्या आपको मिलता है मुझे बताओ, सिस वाले में क्या मिलता है, सेम साइड में। ट्रांस वाले में कहां पे मिलता है बच्चों, अपोजिट साइड में, याद है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सिस की और बात बच करें बेटा, सिस में क्या होगा, अप और अप, डाउन और डाउन। अगर जो एडजेसेंट वाले या फिर बाकी कहीं भी किसी पोजीशन पे अगर दोनों ग्रुप अप ऊपर की तरफ है या दोनों ग्रुप नीचे की तरफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। अगर एक ऊपर है एक नीचे है, या एक नीचे है या एक ऊपर है, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। बिल्कुल क्लियर है, इजी है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो अभी देखो समझ में आएंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मॉलिक्यूल लिया है, फिल्पिंग को लेते हैं यहीं पे, मैंने इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ले लिया है, फिल्पिंग को समझ लेते हैं यूं, इस तरीके से, और इसको मैंने यूं ज्वाइन करा दिया, चेयर फॉर्म ले लिया। नंबरिंग कर दे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबरिंग कर दी मैंने। रिंग फिल्पिंग करते हैं, रिंग की फिल्पिंग करते हैं, तो फिल्पिंग करने के पीछे रूल्स ये है, टॉप को टॉप पे, बॉटम को बॉटम पे, एक्सेल को इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल को एक्सेल पे। अभी मैंने यहाँ पे एटम ही जोड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ये बस ध्यान रखना कि जो नीचे वाला है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये एज इट इज तो यूं ही बना रहेगा। यहां देखो ध्यान से, इस तरीके से बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यूं, और ये वाला सेक्शन ऐसे चला जाएगा और इधर वाला सेक्शन ये नीचे आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको, हुआ क्या है इसमें, हुआ कुछ यूं है कि जो बन था ना जिसकी चोंच ऊपर थी वो चोंच नीचे आ गई, वो चोंच नीचे आ गई, चोंच बोल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ये बन नीचे आ गया, समझो, ऊपर जो चोंच थी ना वो चोंच नीचे आ गई। बात समझ में आ रही है? नीचे वाली चोंच, ये जो 4 नंबर वाली, वो चोंच ऊपर पहुंच गई है। बात समझ में आ रही है? तो ये 4 हो गया। बाकी हाँ बिल्कुल, हाँ रिंग फिल्पिंग की बात करो, रिंग फिल्पिंग की बात करूं पहले ये बदलना सीखो सिंपल सा, ठीक है। 2 कहाँ पे पहुंचेगा बताओ बच्चों, 2 कहाँ पे, 2 तो अपने पोजिशन पे ही रहेगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बस चौंच ऊपर जाएगी, ये 3, ये 4, ये 5 और बाकी आपका 6। बताओ पहले, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि कौन कौन से नंबर बच्चों अप पे हैं, कौन कौन से नंबर डाउन पे हैं, ये बताना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपाउंड है, उस फर्स्ट कंपाउंड के अंदर आप जरा मुझे बताओ इसमें से अप कौन है, इस फर्स्ट वाले आपके साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म है उसमें अप कौन कौन से होंगे। अप पे आते हैं 1, 3, 5, ये अप पे बोले जाएंगे, और डाउन वाले कौन कौन से बेटा कार्बन एटम्स होंगे, तो डाउन पे आएगा 2, 4, 6, समझो ध्यान से, 2, 4, 6, ये डाउन में देखे जाते हैं, 1, 3, 5 ये आपके अप में रहेंगे। 1, 3, 5 अप में काउंट किया जाते हैं,
और 246 आपके डाउन में काउंट किए जाएंगे फर्स्ट के अंदर। पोजिशन समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। और सेकेंड मॉलिक्यूल्स अगर बात करूं तो यहाँ पे अब कौन कौन होगा बताओ बच्चों, सेकेंड में अब कौन कौन सा होगा? अब होगा आपका 246, फिल्टरिंग तभी पॉसिबल होगी। और आपका डाउन कौन कौन सा होगा, ये एक्चुअली बड़ा थ्री डायमेंशनल है, हम 2D पे ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे रूल्स को लिख रहा हूँ। डाउन कौन कौन से होंगे तो बेटा 1, 3, 5 जो उधर अप थे, तो अप वाले यहाँ पे क्या हो चुके हैं डाउन, यहाँ पे डाउन वाले क्या हो चुके हैं अप, तो दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। अब बताओ फ्लिपिंग समझ में आ रही है यहाँ पे? अभी आइटम मैंने लिए नहीं, अभी आइटम लेने वाला हूँ, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्लियर कर दो, यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ एटम, तो देखो यहाँ पे लिया मैंने इस तरीके से एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, नंबरिंग वाइज बात कर लेते हैं बन सकते हैं। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, चलो इसको यहाँ समझते हैं थोड़ा सही से। देखो तो रिंग फ्लिपिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे अभी पूरा फ्लिपिंग को बताना रह गया है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर, बाद में थोड़ा सा कर लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे इस तरीके से फ्लिपिंग हम लोग कर रहे हैं, ये चौंच ऊपर चले गए, चेयर फॉर्म को ले लेते हैं और इसकी फ्लिपिंग करते हैं अपन। फ्लिपिंग करने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, ये बेटा कन्फॉर्मर्स है ना, कन्फॉर्मर्स रूम टेम्परेचर पे आप इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो बताओ चौंच एक आने शुरू करते हैं, तो बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? सर ये यूं आएगा यहाँ पे और ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और एक चौंच कहाँ जाएगी सर, ऊपर की तरफ, जो नीचे थी चौंच वो ऊपर चली गई है, जो ऊपर वाली चौंच थी वो नीचे आ जाएगी। अरे यही तो होगा ना बच्चों, ये चौंच इधर आ जाएगी, बताओ जल्दी से। अरे ये चौंच ऊपर थी तो वो नीचे आ गई, जो चौंच नीचे थी वो चौंच ऊपर पहुंच गई, बस चौंच बोल रहा हूँ मैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, सभी क्लियर है बेटा, चौंच के बेस पर समझ में आ गया, बाकी सब कुछ बराबर सेम है। मैं फ्लिपिंग की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम बच्चों करते हैं एग्जिस्ट बिकॉज रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, तो इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, बिल्कुल सुशांत डेफिनेटली। अब आते हैं एच एटम तरह, तो देखो यहाँ से ध्यान से सभी बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा, एक्सियल ना, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा, एक्सियल, बताओ बच्चों। अरे पैरेलल टू एक्स एक्स डालो ना, एक्सोसिमेट्री, ये इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बस देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर ऐसे रहेगा एक्सिस के पैरेलल में, और ये थोड़ा सा बन जो एंगल आपका आना चाहिए एक्सोसिमेट्री के 109.5 आना चाहिए, थोड़ा हम तिरछा करेंगे इसको, बिल्कुल यहाँ पे आते हैं तो बच्चों ये हाइड्रोजन इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर, समझ में आ रहा है सभी को? इधर मैंने लगा दिया है सपोज CH3, ये इधर कर दिया मैंने इक्वेटोरियल पे, समझो बच्चों, अब दिमाग में बैठ रहा होगा परफेक्टली अच्छे से। यहाँ पे बात कर तो एक्सल के अलोंग बेटा होगा पैरेलल, और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से हो गया ना, एंगल बेस वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात करेंगे तो आपका ये इस तरीके से और आपका यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरीके से, समझ में आ रहा है? बताओ मुझे, तो जो पोजीशन जैसी है उन्हीं को उस वैसे रखने वाले हैं, तो जरा इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। तो ये वाला कैसा है बच्चों, एक्सियल, ये वाला कैसा है एक्सियल, ये वाला कैसा है एक्सियल, है ना, यहाँ पे ये कहाँ बेटा एक्सियल, ये वाला कैसा दिख रहा है एक्सियल, ये वाला कैसा है एक्सियल, क्या सभी को समझ में आ रहा है बेटा, एक्सियल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सभी को, एक्सियल क्लियर। बाकी बच्चों क्या है, इक्विटोरियल, ध्यान दो बाकी क्या है आपके, इक्विटोरियल, तो मतलब ये वाला इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल पे, ये भी इक्विटोरियल पे, इसलिए मैंने एक एक करके आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है, लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी हो रहा है, साथ में आप बार बार इसको देखना, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। इक्विटोरियल एक्सियल समझ में आ गया यहाँ पे, अगर रिंग की फ्लिपिंग कर रहे हैं बच्चों तो फ्लिपिंग करने पे क्या होगा, एक्सियल वाला जाएगा इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल बेटा आएगा आपके एक्सियल पे, बस यही करना और कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है। और जो ऊपर वाला है ऊपर रखो, नीचे वाले को नीचे रखो, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो मतलब बच्चों कहानी करते हैं अपन यहाँ से स्टार्ट, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग कर दो बेटा, ये 1 हो गया कार्बन, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया इधर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो बेटा नंबरिंग अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो नीचे चौंच ऊपर गई तो ये 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बस एटम को लगाना स्टार्ट कर दो, लगाना स्टार्ट करो बेटा जल्दी से, शुरू करेंगे अपन, ठीक है। सर ये एक्सेल पे था, ये 1 पे, यहाँ पे एक्सेल पे था, तो सर 1 में 1 समझो, 1 ये एक्सेल वाला बेटा चेंज किस में हो जाएगा, इक्विटोरियल में,
ये इक्विटोरियल वाला चेंज किसमें होगा, एक्सियल में, तो नीचे वाला नीचे, तो एक्सियल वाला जब इक्विटोरियल में बदल रहा होगा ना तो वो नीचे की तरफ, यहाँ पे देख रहे तो नीचे की तरफ ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात क्लियर हो रही है? बताओ जल्दी से। तो मतलब जो वन वाला है ना, वन वाला वो कहाँ कैसे दिखाई देगा बताओ मुझे। बताओ बच्चों, कहीं से भी आप 1 2 3 कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 थोड़ा सा ना हम लोग CST से कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। ये तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे आपने पायरिटी ना आयोपेक की आपने गलत कर दी है, आप लेक्चर देखोगे ना फिर मुझे बोलोगे कि सर आपने पायरिटी गड़बड़ कर दी है। तो जहाँ पे CST लगाए ना, अरे भाई ये नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा ना, ऐसा इस तरीके से, तो जहाँ पे CST लगाए ना वहां से करेंगे अपन। तो CST ऊपर लगाए ना वहां पे, तो नंबरिंग वहीं से करने वाले हैं। चलो वहीं से कर देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद इसको हम ले लेते हैं 2, इसको 3, इसको 4, ये आपका 5, ये 6, ठीक है। CST से कर दिया क्योंकि वहां पे आपका लगा है सब्सिट्यूएंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां पे चेंज कर दिया। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पे आपका CS3 है ना, तो वैसे इसकी नंबरिंग यहाँ भी कर देते हैं, ये थोड़ा सा ना सही कर देते हैं, करेक्ट। नंबरिंग में 1 यहाँ पे रखता हूँ, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 कौन सा होगा बच्चों, बताओ फिलिपिंग में 2 कौन सा दूं मैं, ये वाला दूंगा ना 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, करेक्ट है। तो 1 वाला देखो ऊपर, देखो CST ऊपर चौंसी वो नीचे आ जाएगा, लेकिन CST था एक्सेल पे तो इक्विटोरियल पे आएगा, लेकिन इक्विटोरियल पे आएगा जरूर, लेकिन वो ऊपर की तरफ रहेगा, उसका मुंह कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बेटा कैसा, यूं ऐसे, दिस इज इक्विटोरियल पोजीशन, और एक्सेल बेटा ये हाइड्रोजन। बताओ पहले समझ में आ रहा है, CH3 फर्स्ट मॉलिक्यूल में कहाँ पे है, एक्सेल पे ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ ही रखना है, अप को अप रखना है, डाउन को डाउन रखना है बस। लेकिन एक्सेल पे CH3 था, उसको मैंने बनाया इक्विटोरियल पे, क्या दिख रहा है बेटा, ये इक्विटोरियल है कि नहीं, दिस इज इक्विटोरियल और दिस इज एक्सेल। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, यहां तक कंफर्म है? बाकी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, उनको आप बराबर एक्सेल इक्विटोरियल पोजीशन चेंज करते जाओ। यहां पे हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे आएंगे तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे इस तरीके से ये हाइड्रोजन, और 4 पे आ जाएंगे तो बच्चों यहां पे ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन आपका इधर, इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका यह हाइड्रोजन, इधर आपका यह हाइड्रोजन, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन और आपका यहाँ पे यह हाइड्रोजन, हो गया सारा का सारा। बस चेंज क्या करना है, एक्सेल को इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल को एक्सेल पे, ऊपर को ऊपर रखना है, नीचे को नीचे रखना है बस। जैसे CH3 देखो, देखो पहले कार्बन को वहां, बाकी सब तो हाइड्रोजन ही है दो, तो पहले में देखो जो CH3 दिख रहा है ना वो आपका एक्सेल पे था, उसको मैंने इक्विटोरियल पे चेंज किया कि नहीं किया, तिरछा किया मैंने, बिल्कुल किया, लेकिन ऊपर का ऊपर ही रहा। हाइड्रोजन देखो नीचे था इक्विटोरियल पे, पहले कंपाउंड में इक्विटोरियल पे था, मैंने जब चेंज किया तो ये आ गया एक्सेल, लेकिन नीचे की तरफ भी रहा। इतनी बात समझ में आ रही है मुझे, जल्दी से बताओ। अब एक क्वेश्चन यहां पे है कि जो इक्विटोरियल वाले, ध्यान देना मेरा, जो अगर मैं बोलूं, अगर आपका बल्कि ग्रुप, ध्यान देना, अगर आपका बल्कि ग्रुप बच्चों प्रेजेंट होता है इक्विटोरियल पे, इफ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एज इक्विटोरियल पोजिशन, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होती है। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में ये CH3 कहां पे है, एक्सेल पे, और ये CH3 कहां पे है बच्चों, ये आपका है इक्विटोरियल पे। तो इक्विटोरियल का मतलब है अबे, है ना, वो दूर हो जाना, अबे हो जाना, बाहर की तरफ चला जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ये CH3 ओवरलैप करेगा, लेकिन यहाँ पे CH3 दूर हो गया है, अबे हो गया है। तो दूर होने के चक्कर में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल बॉन्ड पे है, इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो उसकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की अधिक होती है, उस कंफर्मर्स की स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो मैं बोलूं कि अगर ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, आप देख के बताओ दोनों में से देखिए स्टेबिलिटी किसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 कहाँ है, इक्विटोरियल पे। तो इक्विटोरियल में बोला जाता है कि भाई अबे होने, दूर होने के चक्कर में है ना, ये अबे, अबे फ्रॉम द मॉलिक्यूल जाता है, अबे फ्रॉम द प्लेन जाता है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, अरे जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम, स्ट्रेन मिनिमम। तो जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि रिएक्शन में बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर फर्स्ट सेकंड बनेगा तो फर्स्ट सेकंड बनने में आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सेकंड के मोल्स ज्यादा होंगे, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रेन कम हो चुका है, एनर्जी कम हो चुकी है, बिकॉज बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो एक्सेल वाला आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं रिजल्ट बोलूं तो मुझे बताओ बेटा कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। बस रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट नहीं होगी, सेकंड टू फर्स्ट बेटा गलत आंसर है, फर्स्ट टू सेकंड ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इस केस में सेकंड वाला अधिक स्टेबल होगा, बिकॉज ध्यान रखना कि बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होती है एज कम्पेयर टू एक्सेल पोजीशन। तो इस केस में रिएक्शन अभी बेटा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, फर्स्ट टू सेकंड,
जिस केस में के इक्विलिब्रियम मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगा, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया है? अरे बताओ भाई, सभी बच्चों क्लियर हो गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग नोट की तरफ बात करेंगे। एक नोट लेते हैं यहां पे छोटा सा। फर्स्ट पॉइंट, फॉर बल्कियर ग्रुप लाइक इथाइल, ठीक है, लाइक आइसोप्रोपाइल, जो भी बल्की ग्रुप होते हैं अल्काइल पार्ट में वो सब, या फिर बेटा आपका टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, इन सब की आपकी जो एनर्जी है वो जो कैसी होती है, हाई। ऑब्वियसली बल्की ग्रुप की एनर्जी कैसी होती है, हाई। अगर ये बल्कि ग्रुप बच्चों प्रेजेंट होंगे इक्विटोरियल पे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे बच्चों एक्सियल पे तो स्टेबिलिटी कम होगी। प्लीज ध्यान रखना इस रूल्स को। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट, अगर बच्चों प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब मैं बोलूंगा कि बच्चों जहां पे प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रूल्स आपका पलट जाता है, आंसर बदल जाते हैं। तो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बच्चों उस केस में बिकॉज प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे आपका जो एक्सियल वाला होगा, जो एक्सियल वाला होगा, तो बच्चों उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी इक्विटोरियल से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले केस में क्या था बच्चों, इक्विटोरियल की स्टेबिलिटी अधिक एज कम्पेयर टू एक्सियल। सेकेंड वाले केस में अगर बच्चों आपको मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस केस में जितने एटम्स क्लोज होंगे एज बॉन्डिंग परफेक्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स। तो उस केस में जितना क्लोज बच्चों कहां पे मिलता है, एक्सियल के अंदर, इक्विटोरियल में तो अभी हो जाता है, तो उस केस में एक्सियल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इक्विटोरियल से। ये बात समझना ध्यान से प्लीज। सभी को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों क्लियर है कि नहीं बताओ जल्दी से। ये दो ही पॉइंट याद रखो, इन दो पॉइंट से आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, बिल्कुल सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप घर से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आपको दिया डाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें सिस और ट्रांस हम कैसे पहचानते हैं, सिस और ट्रांस। जैसे डाई सब्स्टिट्यूशन मैंने दिया, मान लो चलो ये कि आपको साइक्लोहेक्सेन दे दी मैंने ऐसे, ठीक है, इसमें से इस तरीके से मान लेते हैं कि ये आपका बेस पे है और ये मान लेते हैं हम लोग ये भी बेस पे है, दोनों बेस पे है, तो प्लेन के ऊपर होंगे, सेम साइड में होंगे। सेम साइड में होने का मतलब यहाँ पे जोड़ लो आप CH3, दोनों प्लेन के ऊपर होंगे तो क्या आंसर होगा, सिस। ट्रांस तो नहीं हो सकता ना, सिस होगा आंसर। तो आपको ये दे रखा है, तो इसके बेस पे कन्फॉर्मर्स आपको बनाने हैं। तो कैसे बनाओ कन्फॉर्मर्स, तो बनाने स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। एक बार मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग घर में ट्राई करना, आंसर बनेगा। इसको ऊपर कर देते हैं चोंच को, ठीक है ये इक्विलिब्रियम में आएगा और यहाँ पे मैं CH3 को यहाँ जोड़ देता हूँ। चलो एक CH3, बाकी हाइड्रोजन को आप जोड़ लेना जो भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन में CH3 को बताता हूँ, ये CH3 मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एक CH3 यहाँ पे लगा लेते हैं इक्विटोरियल पे। केसेस ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे एक्सियल पे हो गया, एक इक्विटोरियल पे हो गया। अगर इसको मैं रिवर्सिबिलिटी में लेके जाऊंगा या फ्लिपिंग कराऊंगा, रिंग फ्लिपिंग, तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली चोंच नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चोंच आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग में क्या करते हैं बेटा, फ्लिपिंग में एक्सियल का इक्विटोरियल, इक्विटोरियल का एक्सियल करते हैं ना अपन। अरे भाई ये इक्विटोरियल पे दिख रहा है ना, ये एक्सियल पे दिख रहा है ना, इतना पढ़ने के बाद भी। तो बच्चों यहाँ पे बताओ सीन क्या होगा, इस तरीके से वन ऊपर वाला मान लेते हैं, तो ये एक्सियल वाला इक्विटोरियल पर लगा लो, ये हो गया CH3, ये हो गया आपके इक्विटोरियल पे। इसको वन मान लो तो इसको भी वन मान लो, हो गया ना इक्विटोरियल पे। और ये वाला देखो दूसरे नंबर वाला कहाँ पे, आपके इक्विटोरियल पे, उसको लगा लो एक्सियल पे। तो एक्सियल बेटा कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ बेटा क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा था, ए और ई दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, ई और ए हो जाएगा, करेक्ट है, बताओ सभी लोग।
अगला क्वेश्चन इज दिस कि सीसे के ट्रांस तो पहला वाला यस बेटा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये फ्लिपिंग हो रही है ना, तो इसमें दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोथ विल रिप्रेजेंट दी सिस स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों आपकी सिस हैं, दोनों परफेक्ट आपकी सिस हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये इसी का ही तो है, ये गिवन स्ट्रक्चर का ही तो है, बस फिल्पिंग क्या होता है, फिल्पिंग बस क्या होता है कि आपकी जो पोजिशन है बस वही चेंज होती है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रहेगा, बस एक्सल का इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल का एक्सल पे, बस स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट बदलेगा, ये आपका सिस हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, है ना, फिर इनकी पोजीशन चेंज कर लेना, वन से थ्री पे कर लेना, एक बार यहाँ पे जोड़ के देखना, एक बार यहाँ जोड़ के देखना, एक बार यहाँ जोड़ के देखना, बस आंसर बड़ा मेरा, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप चेंज करके देखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करना और आपको सीस और ट्रांस आपको बनाने, यहाँ पे आपको मैक्सिमम सीस ही मिलेंगे, ट्रांस नहीं मिलने वाला, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये आप ट्राई करना घर में, आंसर आपके बनेंगे। चलो इसके बाद एक मैं क्वेश्चन और देता हूँ ट्रांस वाला भी, उसको भी ट्राई करना, ये यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अपन लोग कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पे लगा लेना इस तरीके से, डैश पे लगा लेना CH3, अब बताओ मुझे इस हिस्से की ट्रांस है, तो देखो याद है ना सिसो ट्रांस साइक्लोएल्केन्स में एटलीस्ट दो कार्बन ऐसे जो इसमें डिफरेंट ग्रुप लगे हो तो मिल ही रहे, एक कार्बन ये एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो मतलब ये ट्रांस हो गया, अभी ट्रांस हो गया ना, तो इससे बनाना सारे के सारे कन्फॉर्मर्स, समझ में आ रहा है, सारे कन्फॉर्मर्स बना लेना, यहाँ पे नीचे जो भी आप कन्फॉर्मर्स बना उनको बनाना, बन थ्री लेके, बन टू लेके, वो सारे के सारे आपको बनाना, ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है सभी लोग, बच्चों पॉइंट क्लियर है कि नहीं, अब इसमें क्वेश्चन जो स्टेबिलिटी वाले हैं वो आप लोग एक बार ट्राई करना, कुछ भी उसमें गलती आपसे नहीं होने वाली है, ठीक है, बताओ सभी लोग, किसी कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप बता दो मुझे,